अब मुझसे परिचित होंगे जो मंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, सबको कुछ ना कुछ जिले दिए गए हैं, उसके नाते आगरा और रामपुर मेरे पास में है। उप मुख्यमंत्री के नाम पूरा प्रदेश का कार्य है, लेकिन विशेष तौर पे इसकी चिंता करना है। आज आगरा का प्रभारी के नाते मेरा प्रवास था और आगरा में आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारियों के लिए, हम सब ने मिलके कुछ बिंदु तय किए हैं और कि एक ज़िले में हमको किन किन कार्यों की समीक्षा करनी है। 31 पॉइंट हैं जिनको लेके हमको ज़िले में क्या हो रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है। मुझे खुशी है कि आज आने के बाद, पहले मैंने अपने ज़िला के, क्योंकि तो मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ पार्टी का, अभी तक पार्टी के कार्यालय में अपने क्षेत्रीय जो पदाधिकारी थे उनसे पहले मुझे मिलने का और उसके साथ बैठक करने का क्षेत्रीय कार्यालय में अवसर मिला। अवध जो ब्रज क्षेत्र का कार्यालय था, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक, पदाधिकारी और सांसदों की पार्टी स्तर पर बैठक मेरी हुई और उसके बाद अभी सफाई अभियान में हम लोग एक प्रतीकात्मक रूप में सफाई अभियान हो उसके लिए हम सब शामिल हुए। हमारे जिलाधिकारी और हमारे SSP और सारे जो हमारे जनप्रतिनिधि थे वो भी इसमें शामिल हुए। उसके बाद वहाँ पे सड़क खराब थी, उसको मैंने बनने के लिए बोला है, सड़क का, कूड़े घर का और जो भी वहाँ पे सुविधाएं हैं लाइट वगैरह की, उसके लिए मैंने बोला है। वहाँ हम सब लोग आगरा अच्छी तरीके से चले, विकास कार्य यहाँ पे, इसके लिए अभी हमने समीक्षा बैठक करी है। यहाँ की कानून व्यवस्था के संदर्भ में सबसे पहले हम लोगों ने विभिन्न संदर्भों में छोटी मोटी घटनाओं से लेके तमाम और घटनाओं का किया है। बहुत अच्छा काम, एक पेट्रोलियम का जो चोरी कर रहा था, पेट्रोल माफिया मनोज गोयल, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तमाम बड़े विषय आए हैं और छोटी मोटी घटनाओं को ना हो इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निर्देश दिए गए हैं। आज अपराध कम हो इसके लिए यहाँ के IG, DIG और SSP, मैंने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सूचना पर्यटन मंत्रालय को बोला है कि वो 2.5 करोड़ रुपए के CCTV कैमरा आगरा के लिए देंगे। सभी बिंदुओं पर CCTV